शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, खास करके ऐसे साथी जिन्होंने विगत बोर्ड परीक्षा में पेपर कोऑर्डिनेटर के रूप में या सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के रूप में या अन्य किसी तरीके से काम किया है और उनके जो मानदेय का भुगतान है वो ऑनलाइन किया जाना है, उसके लिए आपको किस तरीके से अपने फॉर्म वगैरह वो सारे सबमिट करने हैं, तो एक एक स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको बोर्ड की जो साइट है इस पर जाकर के यहाँ एक जो ऑप्शन दिया हुआ है सबसे ऊपर अकाउंट्स सेंटर एंड एग्जामिनेशन बिल्स एक्सेट्रा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग अलग तरह के ऑप्शन खुलेंगे। पहले तो मैं आपको आदेश बता दूंगा कि क्या क्या आपको मानदेय वगैरह का प्रावधान है, कितना मिलेगा। यहाँ से जैसे आप ईयर वाइज सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से 2024 कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जो है। अब यहाँ आपको माइक्रो ऑब्जर्वर, पेपर कोऑर्डिनेटर या गवर्नमेंट ऑब्जर्वर, इस बार राजकीय पर्यवेक्षक नाम से अलग से कुछ जो भी व्याख्या बंधु है उनको लगाया गया था, तो उनका बिल वगैरह है वो एंट्री किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको आदेश बता दूँ कि क्या क्या आदेश है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक तो पुराना जो आदेश है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का आदेश है 19/10/2020 का, जिसमें जो मानदेय खास करके केंद्र अधीक्षक, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक यानी सीएस, एसीएस, पेपर कोऑर्डिनेटर, माइक्रो ऑब्जर्वर और पेपर कोऑर्डिनेटर और माइक्रो ऑब्जर्वर को वर्ष 2020 और आगामी परीक्षाओं के लिए क्या क्या जो मानदेय मिलेगा। तो जैसे केंद्र अधीक्षक है उनको ₹150 प्रति परीक्षा मानदेय है, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक को ₹110 प्रति दिवस यानी जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन का, पेपर कोऑर्डिनेटर को ₹160 जिसमें से ₹90 मानदेय और ₹70 वाहन व्यय के रूप में, माइक्रो ऑब्जर्वर को भी ₹160 जिसमें 90+70 और पेपर कोऑर्डिनेटर और माइक्रो ऑब्जर्वर दोनों काम जिसने किए उनको भी ₹160 90+70 है। इसके अतिरिक्त जो भी कार्मिक है अन्य किसी प्रकार का TDA देनी होगा और ये आदेश है। इसके बाद जो लेटेस्ट आदेश था इस बार आपको बता दूँ, मैंने पहले कहा कि राजकीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे तो उनके संबंध में एक लेटेस्ट जो आदेश है ये 4/4/2024 का आदेश है। ये जो आदेश है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से कार्यालय आदेश है और जिसमें राजकीय पर्यवेक्षक यानी जो गवर्नमेंट सुपरवाइजर जो बोर्ड परीक्षाओं में प्रत्येक केंद्र पर लगभग लगाए गए थे उनका मानदेय किस तरीके से होगा, तो जिन परीक्षा केंद्रों पर राजकीय पर्यवेक्षक परीक्षा दिवस को प्रातः पुलिस थाने में उपस्थित होकर प्रश्न पत्र थाने से केंद्र तक लाने, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान उपस्थित रहने और परीक्षा उपरांत केंद्र से संग्रहण केंद्र पर उत्तर पुस्तिका जमा कराने का कार्य किया उनको क्या क्या मानदेय होगा। तो पहला तो पुलिस थाने से केंद्र तक वाहन व्यय, अगर आपने खुद पेपर लेके गए हैं वाहन के द्वारा तो ₹70, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान उपस्थित रहने का मानदेय ₹90, संग्रहण केंद्र तक जहाँ भी आपने कॉपियाँ जमा कराई है और केंद्र से दूरी अगर 10 किलोमीटर तक है, परीक्षा केंद्र की दूरी और संग्रह केंद्र की दूरी 10 किलोमीटर है तो ₹65 और 10 किलोमीटर से अधिक है तो ₹75। इसके अलावा मान लो जो केंद्र अधीक्षक है वो पुलिस नजदीकी पुलिस थाने में अपनी अलमारी रखते हैं पेपर के लिए, तो थाने से अलमारी लाने और ले जाने का जो भी खर्च है वो ₹300 केंद्र अधीक्षक को दिए है। जिन केंद्रों पर राजकीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति केवल परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिका की पैकिंग कर कर संग्रह केंद्र पर जमा कराने तो की गई है उन्हें बिंदु संख्या सी यानी ये जो है आने जाने का किराया यानी ₹65 या ₹75 मानदेय दिया होगा। इसके अलावा पेपर कोऑर्डिनेटर और माइक्रो ऑब्जर्वर को मानदेय पूर्व अनुसार और उपयुक्त अनुसार किए गए कार्य के अनुसार होगा। पूर्व का मतलब हो गया कि ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो पहले जो है उनको ये इस तरीके से ₹160 90+70 ये होगा। अब आपको जिन साथियों ने किसी भी रूप में केंद्र अध्यक्ष के रूप में, पेपर कोऑर्डिनेटर के रूप में या पेपर कोऑर्डिनेटर माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में ड्यूटी की है उनका किस तरीके से पेमेंट होगा, तो उनको सबसे पहले यहाँ इस साइट में जाकर के यहाँ आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपने आपको जहाँ से आदेश हुए थे CBO कार्यालय से, DO कार्यालय से, वहाँ से आपको संपर्क करके आपको वहाँ अपनी कुछ डिटेल्स देनी पड़ेगी जिनमें आपके केंद्र संख्या है, मोबाइल नंबर है, अकाउंट नंबर वगैरह, उसके आधार पर वो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जारी करेंगे। लॉगिन आईडी है वो 1110 से या जो भी आईडी है वो होगी और पासवर्ड है लगभग आपके मोबाइल नंबर ही इसमें पासवर्ड होंगे। तो मैं एक साथी है जिन्होंने पेपर को इसमें काम किया हुआ है गवर्नमेंट ऑब्जर्वर के रूप में, तो उनका किस तरीके से ये बिल करेंगे, तो यहाँ जैसे आप माइक्रो ऑब्जर्वर है यहाँ एंट्री 2024 बिल एंट्री 2024 इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये साइट है वो आपको लॉगिन पेज पर ले जाएगी। यहाँ से आपको लॉगिन करके आपको अपनी डिटेल्स पढ़नी है। यहाँ से जैसे थोड़ा सा इसमें समय ले रहा है तो यहाँ जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर होंगे, लॉगिन आईडी आपकी जो भी जिस आपको संबंधित जो भी CBO कार्यालय या DO कार्यालय द्वारा जहाँ से भी आपकी नियुक्ति हुई थी वहाँ से उन्होंने भेजी होगी वो। अब जैसे थोड़े से ये साइट आउट हुई तो मैं इसको थोड़ा सा पॉज करके आपको जैसे कि मैं आपको बता रहा था यहाँ से आपको माइक्रो ऑब्जर्वर, पेपर कोऑर्डिनेटर और गवर्नमेंट ऑब्जर्वर बिल एंट्री 2024 पर क्लिक करना है। आपको जो भी कार्यालय से आईडी पासवर्ड मिले हैं वो आपको एंटर करना है।
पासवर्ड के रूप में आपको मोबाइल नंबर लगभग जो भी दिए होंगे लगभग मोबाइल नंबर दिए जा रहे हैं, फिर भी आपको जो भी आईडी पासवर्ड मिले वो एंटर करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो आपके इस तरीके का यह ऑप्शन खुलेगा जिसमें सबसे पहले आईडी आ जाएगी आपकी, सेंटर कोड आ जाएगा। अब यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि आपका डेजिग्नेशन यानी किस रूप में आपने कार्य किया, माइक्रो ऑब्जर्वर प्लस पेपर कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य किया तो डिफॉल्ट ये आएगा, पेपर कोऑर्डिनेटर ओनली के रूप में कार्य किया तो आपको ये सेलेक्ट करना है, माइक्रो ऑब्जर्वर ओनली के लिए कार्य किया तो ये सेलेक्ट करना है, और सेंटर ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करना है तो ये उसके बाद में आपका सेंटर है वो आ जाएगा। जो भी डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दी होगी उस डिटेल्स के आधार पर आपके सेंटर का नाम, आपका नाम, आपके पोस्टिंग प्लेस का नाम, मोबाइल नंबर और बेसिक ये चीज़ें हैं ऑटोमेटिक आ जाएगी, इनमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार चेक कर लेना है। अब जैसे यहाँ मैं सेंटर ऑब्जर्वर है उनकी ये आईडी खोली है तो यहाँ सेंटर ऑब्जर्वर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आपको मोबाइल नंबर देख लेना है, बेसिक आपका हो जाएगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ, एक तो आपको IFSC कोड आपके जो बैंक अकाउंट के हैं वो भरने हैं, यहाँ आपको अकाउंट नंबर जो भी आपके वो भरने हैं। उसके बाद में एग्जाम स्टार्टिंग डेट, जैसे यहाँ मंथ डेट और ईयर, यानी जैसे दो यहाँ 29/2024 आ रहे, यानी 29/2 से शुरू हुए थे और लास्ट आपका जो एग्ज़ाम था वो आपको भरना है। जैसे मान लो यहाँ अप्रैल की बात करें, जैसे 2 अप्रैल को पेपर लास्ट था, अंदर जो भी है आपको जिस तारीख को आपके सेंटर पे लास्ट पेपर था वो यहाँ सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने यहाँ 2 अप्रैल कर दी। अब यहाँ आपको एग्जाम पीरियड है तो एग्जाम पीरियड यहाँ क्लिक करते आपके एग्जाम पीरियड है जैसे 34 दिन का आ गया। अब एग्जाम डेज का मतलब है कि आपने कितने दिन ड्यूटी दी, क्योंकि ये तो पूरा एग्जाम शुरू होने से लेकर के एग्जाम समाप्ति तक की तारीख है, लेकिन आपने जिस जिस एग्जाम तारीख को एग्जाम हुआ उस दिन ड्यूटी दी है तो जितने दिन की ड्यूटी दी है वो आपको यहाँ करना है। अब यहाँ जैसे मैं 16 दिनों ने काम किया तो 16 यहाँ कर देता हूँ। उसके बाद में ऑटोमेटिक लोकल कन्वीनियंस और मानदेय दोनों अपने आप ऑटोमेटिक, जैसे मैंने पहले बताया था कि 90 और 70 उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके ये 1120 रुपये और ये ऑनरेरियम यानी मानदेय है वो 1440 रुपये आ रहा है। अब आपको कलेक्शन सेंटर से डिस्टेंस, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, यहाँ अगर 10 किलोमीटर से कम है तो आपके 65 रुपये है, और अगर मान लो 10 किलोमीटर से ज़्यादा है, मान लो यहाँ जैसे ये 30 किलोमीटर सेंटर दूर है तो यहाँ से कलेक्शन सेंटर है। अब यहाँ से कलेक्शन सेंटर डेज, यानी जितने दिन ड्यूटी दी उतने दिन आपने कलेक्शन सेंटर तक आपको कॉपियाँ पहुँच जाइए। तो मान लो यहाँ जैसे 16 करते हैं, या जैसे अभी कन्वीनियंस 0 आ रहा है, यहाँ आप जैसे ही इसको 16 कर देंगे, मैं यहाँ वापस यहाँ करके बता रहा हूँ, यहाँ से आपको यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपके 2160 रुपये ये आपके मानदेय के हो जाएंगे, यानी कलेक्शन सेंटर से ले जाने के। और उसके बाद में डिटेल्स अबाउट ड्यूटीज, यानी ड्यूटी के बारे में यहाँ आपको कुछ लिखना है। अब क्या लिखना है कि यहाँ एक तो आपको जहाँ जिस केंद्र में आपने ड्यूटी दी है वो लिखना है, यहाँ नीचे मैं बता भी दूंगा। ये जो टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 4720, तो एक तो आपके यहाँ डेज पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने दिन पेपर कोऑर्डिनेटर के रूप में या राजकीय पर्यवेक्षक के रूप में कितने दिन काम किया है, उसके अनुसार यहाँ आप डेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही डेज सेलेक्ट करेंगे लोकल कन्वीनियंस और मानदेय ऑनरेरियम दोनों आपके यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में कलेक्शन सेंटर पे आपने जितने दिन कॉपियाँ जमा कराई उसका यहाँ आप जितने तारीख दिन तक आपने काम किया वो यहाँ आपको करना है, यहाँ डेट एंटर करते ही, और किलोमीटर यहाँ एंटर करना है। अगर 10 किलोमीटर जैसे मान लो यहाँ से 30 किलोमीटर की अगर मान लो 10 किलोमीटर है तो ये अमाउंट है वो कम हो जाएगा, जैसे यहाँ है 1024 हो गया क्योंकि 65 रुपये के हिसाब से होगा, और मान लो यहाँ 10 की जगह अगर 30 किलोमीटर है 20 किलोमीटर है तो यहाँ जैसे मैं 30 कर रहा हूँ तो ये 2160 रुपये हो गया और टोटल अमाउंट भी आपके चेंज हो जाएगा। अब आपको यहाँ एक तो अपलोड कॉपी ऑफ चेक, यहाँ कृपया बैंक खाते का चेक स्कैन करके JPG फॉर्मेट में अपलोड करें, और अधिकतम साइज़ 100 KB, 100 KB की फाइल यहाँ से आपको आपको जहाँ भी पड़ी है वहाँ से आपको सेलेक्ट करके आपको यहाँ अपलोड करनी है। जैसे मैं यहाँ अभी इसमें से कोई भी फाइल सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ, यहाँ से जैसे मान लो JPG फॉर्मेट में आपको करनी है तो कोई JPG फॉर्मेट की जो फाइल है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो जो भी आपके पास में चेक की जो JPG इमेज बना ले, आप फोटो खींच ले और उस इमेज को आप यहाँ से जैसे मैं एक सेलेक्ट करना से समझाने के लिए तो यहाँ से ये सेलेक्ट हो गया और यहाँ से आपको सेव करना है। सेव करने के बाद में यहाँ आपको जो एक विशेष निर्देश है, एक तो यहाँ आपको डिटेल भरनी है, डिटेल क्या भरनी है, यह लिखा हुआ कि कृपया सेंटर कोड में उस केंद्र का क्रमांक भरें जहाँ सर्वाधिक दिन परीक्षा हुई, यानी उस केंद्र का नाम आपको भरना है कि जहाँ सर्वाधिक दिन परीक्षा हुई और सर्वाधिक दूरी पर हो। मान लो आपने एक ही सेंटर पर ड्यूटी दी है, जब तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा सेंटर पर ड्यूटी दी आपने तो सबसे जो दूरस्थ केंद्र है और सबसे ज़्यादा दिन जहाँ भी आपने काम किया वो केंद्र का एंट्री आपको करनी है। अन्य केंद्रों के क्रमांक डिटेल्स में भरें, यानी एक से ज़्यादा केंद्र पर अगर ड्यूटी दी है तो एक का नाम तो यहाँ से ऊपर जैसे यहाँ ऊपर आ जाएगा केंद्र का नाम वगैरह, बाकी मैं आपको यहाँ से इसमें आपको जो डिटेल्स है इसमें आपको मेंशन करना है। और भुगतान हेतु परीक्षा दिवस और दूरी
केंद्र बिल से मिलान करके किया जाएगा। और ये इसकी एक बार आपको सेव करके इसका प्रिंट निकाल करके आपको अपने संबंधित जो भी डी ऑफिस वगैरह है वहाँ भेजना है, वहाँ से वो वेरीफाई करेंगे तब जा करके आपके ये पेमेंट है आपके खाते में जमा होगा। अब इसमें ये यहाँ से जैसे मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं सेव किया हुआ आपको बता देता हूँ, सेव करने के बाद किस तरीके का आपको दिखेगा तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो जैसे आप सबमिट कर लेंगे यहाँ से, आप सारा सेव करने के बाद में यहाँ से जैसे सबमिट कर लेंगे उसके बाद में आपको जो किस तरीके का फॉर्म दिखेगा तो इस तरीके से आपका जो सबमिट है उसका प्रिंट निकाल के आपको जमा कराना है। यहाँ से जैसे करेंगे तो आपके यहाँ आईडी आ जाएगी यानी जो आपको अलॉट की गई, उसके बाद में यहाँ सेंट्रल कोड आ जाएंगे, डेजिग्नेशन आपका सेंट्रल ऑब्जर्वर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, पोस्टिंग प्लेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर है, IFSC कोड है, बेसिक है, अकाउंट नंबर वगैरह, इसके बाद में जैसे स्टार्टिंग डेट किस तारीख से एग्जाम हुआ था आपके सेंटर पे वो डेट है, एंडिंग डेट कितने दिन एग्जाम रहा, उसके बाद में आपने कितने दिन काम किया, यहाँ जैसे ड्यूटीज है तो यहाँ जैसे 12 ड्यूटी है तो 12 ड्यूटी का लोकल कन्वीनियंस है वो 840 रुपये, ऑनरेरियम 1080 रुपये, और इसके बाद में दूरी है जैसे 35 किलोमीटर है और 12 दिन काम किया है तो उसके 35 × 12 के हिसाब से और जो भी 75 दिन है क्योंकि 10 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 1740 रुपये, और कुल मिलाकर के ये जो अमाउंट है ये बन जाएगा। और यहाँ नीचे आपको जो भी आप चेक का जो पेज इशू जो अपलोड करेंगे वो आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ साइन करना है, उसका प्रिंट निकालना है और ये इसमें लिखा हुआ है कि मूल वेतन छठे वेतनमान से होने पर इंगित करें और कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति संलग्न करें। आपका जो भी आदेश नियुक्ति आदेश था पेपर कोऑर्डिनेटर वगैरह जो भी आपका था वो आपको संलग्न करना है। उसके बाद में इसका प्रिंट निकाल करके आपको साइन करके जिला शिक्षा अधिकारी या केंद्र अधीक्षक प्रमाणीकरण मोहर के साथ में आपको अपने पहले तो डीओ कार्यालय में जमा कराना है, उसके बाद में हस्ताक्षरित प्रपत्र है वो अनुभाग अधिकारी CL 8 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के नाम से अनिवार्य रूप से प्रेषित करना है। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्म आपके भर करके प्रेषित करना है और ये जो मानदेय का जो आदेश था कि इस तरीके से अलग अलग जो भी थाने ले जाने का या 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है तो 75 रुपये प्रति है इसके अलावा दिवस है और मान लो 10 किलोमीटर से कम है तो 65 रुपये प्रति दिवस वगैरह, इस तरीके से ये पूरा मैंने आपको पहले बता दिया। तो इस तरीके से जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। तो ये पूरा प्रोसेस था कि आप चाहे पेपर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया हो आपने या अपने सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के रूप में काम किया हो, जिस भी रूप में आपने काम किया, माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में काम किया हो, जो भी आपने किया उसका आप फॉर्म है वो किस तरीके से फिल करेंगे पूरा प्रोसेस मैंने लाइव बताया। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चंद्र बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।